जिनको गांड गवानी पड़ी, जान गवानी पड़ी। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। कि आगे से निकलता है कि अंदर पीछे से, और जो पीछे से निकले वो गू तो होता है। ये प्रोटीन नहीं, मुर्गी को गू है, मुर्गी का गू खा रहा है, यूं कर रहा, प्रोटीन है। मैंने कहा यदि मुर्गी के गू में प्रोटीन है तो तेरी वाली में तो और घने विटामिन ही होते होंगे, अरे गू ही खाना है। तो मटर 150 रुपए किलो हो जाए बेशक। मोदी 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 वाली लहरें आई, पाकिस्तान को धूल चटाए। मैं हिंदुस्तान से मतलब है, अबे भोसड़ी वाले तुम खा रहे हो, पाकिस्तान है पाकिस्तान। अबे इतने छोटे से देश से तुम्हारी गांड फट रही है, है? अच्छा, इतने बड़ा देश है हिंदुस्तान, इतने से छोटे से देश से गांड फटी तुम्हारे पाकिस्तान से? सुन क्या चूती है, क्या बोले मैं समझा नहीं। सुन क्या चूती है, मैं बताता हूँ आपको। पिछले 8 साल में मोदी जी ने क्या किया है, राम मंदिर बन गया है। राम मंदिर, राम, अबे राम मंदिर क्या है? राम मंदिर पे क्या क्या भोसड़ी के थाली लेके बैठोगे भीख मांगने के लिए? हे गाइस, तो कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो आ गए हैं वापस से हम, तो चलिए बिना किसी भगचौदी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आजकल मैं राजनीतिक विषयों पर बहुत कम बोलता हूँ, क्योंकि मैं यदि बात करूंगा मोदी जी की तो अच्छे काम वो बताने पड़ेंगे, और जब मैं अच्छे काम बताऊंगा लोग कहेंगे देखो मोदी जी का प्रवक्ता हुआ। हाँ, ये कर लो पहले। कैसे कैसे? जब आज से मैंने 25 साल पहले हवाई यात्रा शुरू की थी तो 1 साल तक टिकट अपने झोले में रखा था। अच्छा, जो है हमने हवाई यात्रा की, ऐसा एक प्राइड फील होता था। और मोदी जी ने हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठा दिया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ। भाई साहब एक बात बताइए, आप अगर मुर्गी का अंडा खा रहे हैं तो अब खाना छोड़ दीजिएगा। अबे साले, तभी आप भी सोचिएगा अरे कैसे, जरा ये वीडियो देख लीजिए। मुर्गी के आगे से निकलता है कि अंडा पीछे से, और जो पीछे से निकले वो गू तो होता है। ये प्रोटीन नहीं, मुर्गी को गू है, मुर्गी का गू खा रहा है, यूं कर रहा, प्रोटीन है। मैंने कहा यदि मुर्गी के गू में प्रोटीन है तो तेरी वाली में तो और घने विटामिन ही होते होंगे, अरे गू ही खाना है, तो मोल का गू खा। भाई साहब इनके कहने का मतलब है कि अंडा अगर पीछे से निकलता है तो वो भी गू ही होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। तो दरअसल में इसको ना बचपन से गू खाने का आदत पड़ा हुआ है, इसलिए ये गू इसको लगता है। क्या मोदी जी आप इसको गू खिलाते थे? सही बात है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। अगर ये झूठ है तो फिर ये ऐसी बातें काहे कर रहा है, फिर पूरी जनता के सामने जो ऐसी ऐसी बात कर रहा है जनता के सामने, आप इसे समझाओ यार। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। मोदी जी सब आप ही के समर्थन काहे रहता है, कोई मूत पीता है, कोई गोबर खाता है, कोई अंडा को गू बना देता है, समझ में नहीं आता यार। सब आपका नाम बदनाम करता है यार, समझाया करो, तभी तो इसको अनभक्त नाम रख दिया हूँ। भाई साहब आप ये वीडियो देख के तो समझिए गए होंगे कि कैसे कैसे लोग दुनिया में हैं। ये वीडियो देख के तो लोग यही सोचते हैं कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं।